CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम। कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम मदारी आलेख मोहनी राव का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। जय हिंद। तो लो दोस्तों, मदारी आ रहा है और तुम जोर से ताली बजाओ। बच्चों के खेल, सच्चों के खेल, खेल 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 सच्चे बच्चों के खेल। लालू के भालू के, सिकंदर के बंदर के, शेर के बकरी के, खेल देखो खेल। राजा के रानी के, नानू की नानी के, काने की कानी के, खेल देखो खेल। मदारी भैया, आज तुम कुछ सुस्त क्यों लग रहे हो? सुस्त नहीं बिटिया, आज मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्यों भैया, पिटारी खाली हो गई क्या? कहानी नहीं सुनाओगे? अच्छा तो सुनो बलवान चूहे की कहानी। एक थे साधु महात्मा। एक दिन वे अपनी कुटिया के बाहर ध्यान लगाए बैठे थे। ऊपर आसमान में एक चील उड़ रही थी। तभी चील ने एक चूहिया को देखा। झट से उसे वो अपने पंजों में दबाकर उड़ गई। चील के पंजों में चूहिया जोर जोर से तड़पने लगी। हाय! अचानक वो उसके पंजों से निकलकर साधु की गोद में आ गिरी। साधु चौंक पड़े। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो गोद में एक चूहिया अधमरी सी पड़ी है और थर थर कांप रही है। चूहिया बेहद डरी हुई थी। साधु ने बड़े प्यार से उसको उठा लिया और उसके ऊपर हाथ फेरने लगे। चूहिया की जान में जान आई। साधु चूहिया को अपनी कुटिया में ले आए। उन्होंने सोचा, मेरे कोई बाल बच्चा तो है नहीं, कुटिया सूनी सूनी रहती है, क्यों ना इस चूहिया को एक सुंदर लड़की बना दूं। चूहिया से लड़की? साधु महाराज जादू जानते थे क्या? अरे वो अपने तप के बल से सब कुछ कर सकते थे। उन्होंने कमंडल से पानी लेकर मंत्र पढ़ा और अपनी चूहिया के ऊपर पानी छिड़क दिया। बस चूहिया तुरंत एक सुंदर लड़की बन गई। बिल्कुल मेरी जैसी। हाँ बिल्कुल तुम्हारी जैसी। साधु बड़े प्रेम से उसको पालने पोसने लगे। धीरे धीरे लड़की बड़ी हो गई। अब तो लड़की बहुत ही सुंदर लगने लगी। साधु ने सोचा, लड़की अब बड़ी हो गई है,
इसकी शादी कर देनी चाहिए। साधु ने पूछा तो लड़की ने कहा, मैं तो शादी उससे करूंगी जो दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान हो। साधु ने बहुत सोचा, बहुत सोचा। फिर वो हाथी के पास गया। नहीं, साधु ने सोचा, सूरज से ज्यादा ताकतवर और कौन होगा? सूरज ना हो तो सारी दुनिया खत्म हो जाए। यह सोचकर साधु सूरज के पास गए और बोले, हे सूर्य देवता, मेरी बेटी उसी के साथ शादी करना चाहती है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान हो। आप ही उससे ब्याह करें तो मैं बहुत खुश होऊंगा। सूरज ने कहा, मुनिवर, मैं दुनिया में सबसे बलवान नहीं हूं, मुझसे भी ज्यादा बलवान तो देखो वो बादल है, वो मुझको जब चाहे ढक लेता है। साधु ने सोचा, सूरज ठीक ही तो कहता है, बादल जब चाहे सूरज को ढक लेता है, बादल ही ज्यादा बलवान है। अब वो बादल के पास पहुंचे और बोले, हे बादल जी, मेरी कन्या ब्याह के लायक हो गई है और वो उसी से ब्याह करना चाहती है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान हो। आपसे ज्यादा बलवान और कौन होगा? आप तो सूरज को भी ढक लेते हैं। बादल ने कहा, मुनिवर, मैं दुनिया में सबसे बलवान नहीं हूं, मुझसे ज्यादा बलवान तो देखो वो पहाड़ है, अगर वो मेरे रास्ते में आ जाए तो मुझको रुकना पड़ता है। आप उसी के पास जाइए, वही आपकी कन्या के लिए अच्छा वर है। साधु पहाड़ के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, हे पर्वतराज, आप मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए। वो कहती है कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान हो। आपसे ज्यादा बलवान और कौन हो सकता है? आप तो बादल का भी रास्ता रोक लेते हैं। पहाड़ ने कहा, मैं दुनिया में सबसे ऊंचा जरूर हूं, लेकिन सबसे ज्यादा बलवान नहीं। साधु ने अचरज से पूछा, आपसे ज्यादा बलवान और कौन हो सकता है? पर्वतराज, आप ही सबसे ज्यादा बलवान हैं। पहाड़ ने कहा, नहीं मुनिवर, मैं आपको अभी बतलाता हूं कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर और कौन है। साधु ने पूछा, कौन? पहाड़ ने कहा, चूहा। चूहा? हाँ, साधु महाराज को भी अचरज हुआ। पहाड़ ने कहा, चूहा बड़ा बलवान है, वो मेरे अंदर भी छेद करके अपने लिए बिल बना लेता है, इसलिए चूहा मुझसे ज्यादा ताकतवर है। आप चूहे को ही अपना जमाई बनाइए। फिर साधु ने क्या किया? साधु अपनी कुटिया में वापस गया। उसने कमंडल से पानी लिया और लड़की के ऊपर छिड़क दिया। लड़की फिर चूहिया बन गई। लड़की फिर चूहिया बन गई? हाँ, और साधु ने उसकी शादी बड़ी धूमधाम से एक चूहे से कर दी।
फिर वापस चुया। बहुत अच्छी कहानी थी मदारी भैया। मदारी भैया, इसी पर एक गीत सुनाओ ना। तो लो, मैं अभी मंत्र पढ़ता हूँ और तुम डालो पिटारी में हाथ। ची बटाक डम डम अंतर मंत्र जंतर तंतर काम करंतर नाम धरंतर ची फू ची फू डम। चुया दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई, चुया दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई। चुया दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई, चुया दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई। नहीं निकलियो बिल से बाहर, रहियो अंदर छुपके। हाँ नहीं निकलियो बिल से बाहर, रहियो अंदर छुपके। बिल्ली रानी बड़ी सियानी आई तुपके तुपके, बिल्ली रानी बड़ी सियानी आई तुपके तुपके। ये न समझियो बिल्ली लड्डू बांटने को आई, चुया दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई, चुया दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई। एक उठाए बिल्ली बिल को सूंघ रही है, पंजा एक उठाए बिल्ली बिल को सूंघ रही है। चूहे राजा ये न समझियो बिल्ली ऊंघ रही है, अरे चूहे राजा ये न समझियो बिल्ली ऊंघ रही है। दिल्ली शहर की सबसे मोटी चुया इसने खाई, चुया दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई, चुया दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई। अरे बिल्ली का बस चले तो बिल के अंदर ही घुस जाए, अरे बिल्ली का बस चले तो बिल के अंदर ही घुस जाए। चूहे चाहे गले में घंटी बिल्ली ये बंधवाए, चूहे चाहे गले में घंटी बिल्ली ये बंधवाए। और तमाशा देख रहे हैं खड़े खड़े हम खाई, चुया दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई, चुया दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई। बहुत डरती है। अरे हाँ मदारी भैया, आप दिल्ली कब जाओगे? बस कल ही जाने वाला हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ, वहाँ से मैं भी ऐसी ही एक पिटारी लाऊंगी और मैं सबको कहानियाँ सुनाया करूँगी, ऐसे ही जैसे तुम सुनाते हो। अच्छा, तो अब फिर मिलेंगे बिटिया जब नई पिटारी आएगी। राम राम। राम राम मदारी भैया। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।